अनूप जलोटा जी मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेंसिटिव को लेकर जो बैठक हुई उसमें मौजूद थे। अनूप जी, पहले तो मुझे बताइए कि आज बैठक कैसी रही? बैठक बहुत अच्छी रही, क्योंकि लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए और सभी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी फिल्म सिटी बने जो दुनिया में कहीं नहीं है, और मेरा सुझाव भी उनको यही था कि ये संभव है। और ये संभव इस तरह है कि जितने भी फिल्म सिटी दुनिया में हैं उनका अध्ययन कर लीजिए, उसमें जो कमियां हैं यहाँ पूरी कर दीजिए, तो हम बेस्ट हो जाएंगे। यहाँ की फिल्म सिटी को लेकर क्या जानकारी दी गई, क्या कुछ खास होने वाला है? 1000 एकड़ जमीन है और गंगा जमुना के बीच में नोएडा में, मथुरा भी नज़दीक, आगरा भी नज़दीक, दिल्ली भी नज़दीक, सोचिए कितनी खूबसूरत जगह, अपना एयरपोर्ट। तो ये चीज़ें जो होने जा रही हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होगी, तीन साल में बन जाएगा। यूपी वालों के लिए कितनी अच्छी खबर है भाई, अब यहाँ से किसी बच्चन को बम्बई नहीं जाना पड़ेगा काम करने। अच्छा, एक अंतिम बात, आप अपने लहजे में जिस तरह से आप गुनगुनाते हैं, लोगों को सुनाते हैं, न्यूज 24 के दर्शकों के लिए क्या कहना है? मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो मेरे मन में कृष्णा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये अनूप जलोटा हैं जिनको आपने सुना, उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा तो शायद किसी अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश से बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24।